हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने तारे हैं? कुछ लोग बोलेंगे बहुत तारे हैं, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 से लेकर 300 बिलियन तारे हैं। समय के साथ हम इनके बारे में और एक्यूरेट बता पाएंगे। बैकबेंचर्स, किस साइंटिस्ट ने बैठकर इतने तारों को गिना है? ये एक ओपन ग्राउंड है, यहाँ पर है एक जिराफ और यहाँ पर एक ह्यूमन है। यदि कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो पहले किस पे गिरेगी? तो पहले इस जिराफ पे गिरेगी, क्योंकि इसकी हाइट लंबी है और लाइटनिंग शॉर्टेस्ट पाथ चुनती है ग्राउंड तक जाने के लिए। क्या आपको पता है कि एक क्लाउड में कितना वजन होता है? एक ऐसे फ्लफी व्हाइट क्लाउड का वजन 5 लाख किलो तक होता है, जो कि 83 एलिफेंट्स के बराबर है। एक ऐसा फ्रॉग जिसे देखकर आप बोलोगे ये क्या है। इस फ्रॉग की स्किन में से आप इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं और हार्ट को धड़कते हुए भी। इसका नाम है ग्लास फ्रॉग। हमारी पृथ्वी में कौन ज्यादा है, ट्रीज या चिकन्स? आपके पास 3 सेकंड्स है। 3, 2, 1। चीटिंग करता है तू। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक 3 सेकंड हो चुकी है। तो आंसर है ट्रीज। ट्रीज की पॉपुलेशन है 3 ट्रिलियन, जबकि चिकन की पॉपुलेशन है 33 बिलियन। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने तारे हैं? कुछ लोग बोलेंगे बहुत तारे हैं, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 से लेकर 300 बिलियन तारे हैं। बैकबेंचर्स, किस साइंटिस्ट ने बैठकर इतने तारों को गिना है? क्या आपको पता है कि ऐसे स्टॉर्म वाले क्लाउड का वजन कितना होता है? एक ऐसे स्टॉर्म वाले क्लाउड का वजन 20 लाख किलो तक होता है, जो कि 3333 एलिफेंट के बराबर है। बैकबेंचर्स, तो ये बादल गिरते क्यों नहीं?